अगर आटा गुथा हुआ हो तो सिर्फ 5 मिनट में बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दो अलग स्वाद वाले क्रिस्पी करारे टेस्टी पराठा बना सकते हैं। इस पराठे को बनाने में आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस गोल रोटी बेलेंगे, कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे और झटपट मसाला पराठा बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से परत दिख रहे हैं। ये पराठा 2 दिन तक खराब नहीं होगा, इसलिए आप सफर में भी ले जा सकते हैं। और इतना आसान है बनाना कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे और जो खाएगा आपकी बहुत तारीफ करेगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालिए गेहूं का आटा 1 कप। ग्राम में देखें तो 120 ग्राम आटा है। अब इसमें डालिए 1/4 छोटी चम्मच नमक। नमक बहुत कम डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो लगा लेते हैं। जिस तरीके से हम रोटी का डो लगाते हैं बस उसी तरीके से हमें सिंपल गूंथ के तैयार करना है। आटे को मिला लिया है, ऊपर से हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। अब मिला लीजिए। तो आटा का डो लगा लिया है, अब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि आटा फूल जाए। 10 मिनट हो चुका है, आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, किचन सरफेस पे निकाल लें। तो यहाँ पे मैं आपको 1 कप गेहूं के आटे का बता रही हूँ जिससे 3 पराठे बन जाएंगे। तो इस डो को बनाने में हमने 1/2 कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। अब पराठे से थोड़ा बड़ा हम काट लेते हैं और इतने में आपका 3 पराठा बन जाएगा। तो इस तरीके से गोल कर ले, हाथों से दाबते हुए हम सूखा आटा में लपेटते हुए सिंपल रोटी की तरह बेल लेंगे। तो गोल बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है। अब इसमें हम मसाले लगाएंगे तो मसाले अच्छे से चिपक जाए और पराठे सॉफ्ट बने, लेयर्स सारे खुल जाए, इसलिए यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल में भी ये पराठा बना सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चुटकी डालिए लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी चाट मसाला। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला और गरम मसाला का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या काली मिर्च डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हाथों से इस तरीके से मिला लीजिए। चाट मसाले में नमक होता है इसलिए ऊपर से नमक डालने की जरूरत नहीं है, डो में हमने नमक डाला है। मसाले मिलाने के बाद थोड़ा सा हरी धनिया भी इस तरीके से लगा दीजिए। यहाँ पे मैं गार्लिक फ्लेवर में ये पराठा बनाना बता रही हूँ। तो लहसुन की 8-10 कलियाँ मैंने इस तरीके से छील ली है और बारीक बारीक काट ली है। कटे हुए लहसुन हमें इस तरीके से डालना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो नहीं डालिएगा। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए, फिर से उठाएं पकड़ते हुए और ऐसे समेटते जाएं और हाथों से दबते जाएं। जिस तरीके से कागज का पंखा हमने बचपन में बनाया है बस वैसे ही ऐसे फिर ऐसे एक पर एक चढ़ाते हुए हाथों से दाबते जाएं। फोल्ड करने के बाद हाथों से हल्का हल्का दबाव देते हुए इस तरीके से खिंचाव करें। ये काम हल्के हाथ से करें और जिस तरफ आपको मसाला दिख रहा है ना उधर हमें ऐसे फोल्ड करना। और ये लास्ट का पार्ट बीच में टक कर दे, हाथों से दाब ले। तो मैं आपको उलट पलट के दिखा देती हूँ कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो जो लहसुन हमने काटा था ना इसे इस तरीके से प्लेट में रखे और मसाले पराठे के डो को लहसुन के ऊपर रख करके इस तरीके से दबा दे ताकि सारे लहसुन चिपक जाए। अब फिर से प्लेट में जो हमने धनिया पत्ती काटी थी ना इसे छेद दीजिए और इस तरीके से चिपका लें। तो सर्दियों में ये पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको, लहसुन है तो गर्माहट बनी रहेगी। हाथों से इस तरीके से दाबते हुए थोड़ा फैला लें। तो मैंने हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ऊपर से लगा दिया है, आप स्किप कर सकते हैं और बस सिंपली हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। तो बहुत ज्यादा पतला ना करें। तो इस पराठे को उठा करके
मैं प्लेट में रखती हूँ और आपको एक दूसरे फ्लेवर में बच्चों के लिए पराठा बनाना बताती हूँ। तो सेकंड पराठे के लिए फिर से एक डो ले। तो इस पराठे में मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, बच्चों को तो बहुत पसंद है, आप घी भी लगा सकते हैं। तो पहला पराठा मैंने इंडियन स्टाइल बताया है, ये मैं थोड़ा इटालियन फ्लेवर में बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिज्जा सीजलिंग का इस्तेमाल किया है, आप ऑरिगानो, बेसिल कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर चिली फ्लेक दो चुटकी और थोड़ा सा गार्लिक डालिए करीब दो, आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर बस हल्का सा। अब हाथों से इस तरीके से दाब ले। अब इस पराठे को भी हम इस तरीके से एक पर एक चढ़ाते हुए फोल्ड कर लेंगे, देखिए ऐसे और ऐसे दाबते भी जाए। तो देखिए इसे भी हमने फोल्ड कर लिया है, आप चाहे तो हल्का सा चीज भी डाल सकते थे ग्रेट करके। हाथों से दाब के हल्का सा फैला ले, जिस तरफ खुला हुआ है उस तरफ हमें फोल्ड करते हुए पैक करना है। आप चाहे तो गेहूं के आटे के साथ मैदा भी मिक्स करके डो लगा सकते हैं। बीच में दबा दीजिए। तो मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखा देती हूँ कितना यम्मी लग रहा है। हाथों से दाब के फैला ले। अब हल्के हाथों से हम बेल लेते हैं, पराठे को बार बार ना उठाए। तो बेल लिया है, बहुत ज्यादा पतला ना करें वरना पराठे में लेयर्स अच्छे नहीं आएंगे। अब हम धीरे से उठा लेते हैं। अब हम पराठा सेकेंगे, तो हल्का सा तवे को ग्रीस कर ले। तवे के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए लहसुन वाले पराठे, फ्लेम को कम रखें और एक मिनट तक सिकने दें। एक मिनट हो चुका है, अब धीरे से उलट लीजिए और दूसरी तरफ से भी पराठे को दो मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे सिकने दें। हल्का सा घी लगा दीजिए, घी लगाना आपके चॉइस है दोस्तों, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से उलट लें। इसी तरीके से उलटते पलटते हम सेक लेते हैं, हल्का सा घी दूसरी तरफ भी लगा दें। तो जैसे जैसे पकने लगेगा वैसे वैसे आपको इसमें लेयर्स दिखने लगेंगे, देखिए। तो एक पराठे को बनाने में आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे पराठे भी सेक लेते हैं, इस पे भी घी लगा लीजिए। तो देखिए जैसे जैसे सिकने लगा है वैसे वैसे लेयर अलग होने लगा है। इस पराठे में मैंने थोड़ा ज़्यादा घी लगाया है, तो देखिए लेयर खुद ब खुद परत बाय परत खुलने लगा है। तो कितना खस्ता बना है, तो इसे भी प्लेट के ऊपर निकाल ले ताकि भाप से गीला ना हो। तो दोनों पराठे बहुत ही जबरदस्त बने हैं। एक तो लीजिए दोस्तों, तैयार है दो अलग फ्लेवर में बहुत ही आसान मसाले पराठे। ऐसा पराठा है कि इसके साथ आपको किसी भी सब्जी भाजी की ज़रूरत नहीं है। ये पराठा 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसे घी से बनाया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गार्लिक की, तो आप देख सकते हैं पराठे का एक एक लेयर अलग है और हर एक बाइट में आपको गजब का स्वाद मिलेगा। अब इटालियन फ्लेवर के इस पराठे को भी आप देख सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी क्रिस्पी पराठे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो पराठे की तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने घर का जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मेरे साथ वीडियो में जुड़ी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।